हिंदूवादी संगठनों और सर्व समाज ने किया नीमच के फुवारा चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ। विवादित स्थल से प्रतिमा हटाए जाने से आक्रोशित हिंदूवादी संगठन नीमच सिटी में प्रतिमा स्थापित करने के बाद उपजे विवाद को देखते हुए प्रशासन ने वहां से प्रतिमा हटा दिए, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों और सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर फवारा चौक पर आज हनुमान चालीसा का पाठ घटना के विरोध में किया गया है और प्रशासन से मांग की गई है कि जिस स्थान से प्रतिमा हटाई गई है उस स्थान पर पुनः विस्थापित की जाए। वहीं संगठनों ने आगे चरणबद्ध आंदोलन करने की बात भी कही है। नीमच शहर के हृदय स्थल फवारा चौक पर बुधवार की शाम को हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और फवारा चौक के चारों ओर रास्तों को बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस दौरान महाआरती भी की गई। दरअसल सोमवार को नीमच सिटी के कचहरी में प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और दो समुदाय के बीच पथराव भी हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रव को शांत किया। फिलहाल उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने विवादित स्थल से हनुमान जी की प्रतिमा को विधि विधान से हटाकर नीमच सिटी स्थित पुराने थाने पर बने मंदिर में स्थापित किया है। प्रतिमा हटाए जाने के बाद विरोध में आज हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा के माध्यम से विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया। शहर के फवारा चौक पर बड़ी संख्या में शाम को लोग पहुंचे और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ किया गया। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए बैरिकेड की, जिसकी वजह से शहर के यातायात को भी परिवर्तित कर होकर निकाला गया। हिंदूवादी संगठन और सर्व समाज के लोग की मांग है कि प्रशासन प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करे, विवादित कचहरी स्थल को शासन अपने कब्जे में ले, वहां जितने भी अतिक्रमण हैं उन्हें हटाए जाए। यदि तीनों मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान पुलिस फवारा चौक पर भारी पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। पुलिस और प्रशासन के कई आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ने जो एक पक्षी कार्रवाई करी है, हिंदू समाज अपने घरों में शांतिपूर्ण तरीके से निवास कर रहा था, एक बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको लेकर विधर्मियों द्वारा उनको आपत्ति जो थी उसको लेकर उनने पथराव जो किया था, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो अभद्रता की, घर में घुसकर जो जिस प्रकार से उनने हरकतें करी, उन सबको लेकर हम लोगों ने सर्व समाज के साथ बैठकर योजना करी थी कि भगवान बालाजी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसके बाद जो प्रशासन ने उसको जो हटाया है उसकी पुनः स्थापना हो, विधि विधान से उनका जो जो कार्यक्रम होना चाहिए वो हो, और वहाँ जो स्थानीय जिस कचहरी को लेकर जो मामला है उस कचहरी में जो पुराना जो अवैध कब्जा है विधर्मियों द्वारा उस कब्जे को भी वहाँ से हटाया जाए, शासन उसको पूरे अपने अपने आधिपत्य में ले, और अगर इस प्रकार की प्रशासन पुलिस प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई करता है तो हम उसकी भी हम निंदा करते हैं, और हिंदू समाज को साथ में लेकर हिंदू समाज के साथ बैठकर हिंदू समाज के मन की यानी भगवान उसके बालाजी महाराज आराध्य हैं उनके साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो हिंदू समाज सड़कों पर बार बार आएगा और आवश्यकता लगी तो जिले भर में विभाग भर में और प्रांत भर में आंदोलन जैसी स्थिति बनेगी। आज जैसे कि फवारा चौक पे जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, रोड जाम किया गया, आज ये पहला प्रदर्शन का एक पहला रूप देखा गया, इसके बाद भी कोई आने आगामी दिनों में कोई स्थिति बन सकती है जिससे कि आंदोलन करना पड़े? सर्व समाज को लेकर यहाँ 20-25 लोगों की एक समिति बनना है, वो समिति हमारी जो 3 मांगे प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पर सहमति अगर शासन बना देता है तो हम लोग आंदोलन को यहीं स्थगित करेंगे, परंतु अगर आंदोलन के लिए और प्रशासन की अगर हमारी 3 मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन लगातार चलेगा। विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के साथ मिलकर हम लोग अगर सड़कों पर आना पड़ा पुनः बार बार तो आएंगे।